हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल। सर जी मीडिया पे आपका स्वागत है। जिस तरह से इंडिया और यूएई ने जो पैक्ट साइन किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पैक्ट माना जा रहा है, उसके फायदे जो है किन सेक्टर्स को होंगे और किस प्रकार से होंगे? ये एक ऐसा करार है जो भारत में रोजगार उत्पन्न करने वाले जो सेक्टर्स हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल्स, दवाइयों का उद्योग है, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री, जो जो क्षेत्रों में हमें लगा कि भारत के गुड्स उनको भी सेवा दे सकते हैं, यूएई से एक पूरी अफ्रीकन मार्केट, यूरोप और मिडल ईस्ट के कई देशों में सामान जाते हैं, तो इस एक बड़े मार्केट के लिए ट्रेडिंग हब के रूप में यूएई माना जाता है, लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग हब। तो इस करार से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जहाँ हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार के, नए काम के, स्वयं रोजगार के, हमारे स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे, वो उसका माध्यम खुल जाएगा। सर बात की जाए मार्केट एक्सेस की, तो हमें एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट मिल रहा है, तो हम यूएई को इसके बदले में क्या दे रहे हैं? देखिए यूएई की सबसे बड़ी ताकत तो है क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, कुछ इंटरमीडिएट्स जो हमें यहाँ पे भारत में बड़े रूप में लगते हैं, खजूर वहाँ पे बनता है जो भारत में नहीं बनता है बड़े रूप में, तो खजूर हम वहाँ से लेके आएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, पेट्रोकेमिकल्स का आयात हम वहाँ से करेंगे। अगर आप उनका लैंडस्केप देखें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, एयरपोर्ट्स, अच्छे पोर्ट्स, ये सब क्षमताएं वहाँ पे बहुत अच्छी हैं। उसका लाभ अगर हम भारत में ला पाते हैं तो उससे भारत को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गति मिलेगी और यूएई को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये थे पीयूष गोयल जी बताते हुए कि भारत और यूएई के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका किस तरह से फायदा जो है हमारे यहाँ मिलेगा, खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो काफी हद तक हो सकता है।